बेस्ट विंटर केयर ब्यूटी हैक्स। ठंड के मौसम आ गया है और कुछ हैक्स ही ना हो तो कैसा ठंड का मौसम। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे आपको मैं हैक्स या विंटर केयर से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, जिससे आप भी खुश हो जाओगे। और आपको मैं 100% ये दावा करके कहता हूँ, अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हो, सभी हैक्स को जान लेते हो या टिप्स को, तो आपको भी ठंड में मज़ा आएगा। ठंड को तो सब में मज़ा आता है, स्पेशली जो मैरिड कपल होता है, वो अलग बात है, अलग टॉपिक है, लेकिन हम सभी को भी आना चाहिए ना, तो इसीलिए ये हैक्स आप सभी के लिए है। ठंड के मौसम में स्पेशली आपको बॉडी का हर हिस्सा को कवर अप करना होगा, क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादातर ड्राई स्किन, स्किन को फटना जैसा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए आपको हमेशा ग्लव्स, जो कपड़ा होता है आपका फुल बॉडी को कवर कर लेता है, वो आपको यूज़ करना होगा। आपको शूज़ यूज़ करना होगा, जो आपके लिए शूज़ परफेक्ट है, जो आपके शूज़ अच्छा लगता है वो उसे वेयर करना होगा। आपको हमेशा एक मफलर यूज़ करना होगा, ये सब कुछ आपको करना होगा। नंबर टू, आपको हमेशा एक लिप बाम को यूज़ करना होगा। सबको पता है क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादातर आपका जो स्किन होता है, आपका जो लिप का जो स्किन होता है वो फट जाता है, उसमें क्रैक आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, इसमें खून भी निकल सकता है। तो इस वजह से आप लिप बाम, जो आपके लिए लिप बाम अच्छा है, वो लिप बाम आप यूज़ कीजिए, जिससे आपका लिप्स सॉफ्ट रहेगा और आपका लिप्स में फटना जैसा जो प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर थ्री, आप हमेशा कोशिश कीजिएगा जो हार्श या केमिकल वाला जो सोप होता है या जो केमिकल वाला शैम्पू होता है उसको ना यूज़ करें, क्योंकि ठंड के मौसम में आपका स्किन वैसे कमज़ोर होता है, ड्राई होता है, प्रॉब्लम वेरियस टाइप ऑफ क्रिएट होता है स्किन में। और उस वक्त अगर आप केमिकल वाला जो सोप होता है वो यूज़ करते हो तो और भी आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है, स्किन और भी ड्राई हो सकता है। तो इस वजह से जब आप सोप खरीदो या सोप यूज़ करो तो उसके पीछे जो कंपोनेंट लिखा होता है वो आप पढ़ लीजिएगा, इसका क्या इंग्रेडिएंट्स है उससे अच्छे से जान लीजिएगा, उसके बाद ही उसे यूज़ कीजिएगा। सेम प्रोसेस अप्लाई होता है आपका हेयर के लिए, मतलब शैम्पू। ठंड के मौसम में आप केमिकल वाला टॉक्सिक वाला शैम्पू मत यूज़ कीजिएगा, इससे आपके हेयर फॉल हो सकता है, हेयर में वेरियस टाइप प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और ये सब कॉमन मिस्टेक होता है, सभी करता है, जो सब सामने मिला उसे ही यूज़ कर लेते हैं, सब में क्या इंग्रेडिएंट्स है, इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, उसका परवाह ही नहीं करता है, और इस वजह से स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल होता है। और जितना हो सके नहाना या बाथ को आप कम कर दीजिए, एक ऐसा लॉजिक हुआ यार। और ठंड के मौसम में वैसे ही नहाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होता है, तो इस वजह से अगर आपको नहाना कम पड़ता है तो क्या होता है, ये तो आपके लिए और भी अच्छा है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक कारण भी होता है, क्योंकि जब आप नहाते हो कम हो तो आपका जो हेयर फॉल वो कम होता है, स्पेशली ठंड के मौसम में। क्योंकि देखिए ठंड के मौसम में वैसे ही तो आपका बॉडी फुल कवर अप रहता है, आपका हेयर कवर अप रहता है, तो डस्ट पार्टिकल पॉल्यूशन कम आपके बॉडी में या हेयर में आता है। तो उस वजह से अगर आप नहाना को थोड़ा सा कम कर देते हो, कंपेयर टू गर्मी में अगर आप नहा लेते हो दो बार या तीन बार दिन में, तो विंटर में तो आप वैसा नहीं कर सकते हो ना, विंटर में जितना कम नहाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप ये मत कर लेना कि हफ्ते में एक बार आप नहा लिया और फस फस करके सेंट मार के आप लड़की पढ़ाने चले गए, ऐसा नहीं होता है। ठंड के मौसम में आपको नहाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा कम नहाना होगा, इससे आपका हेयर फॉल कम होगा और आपका बॉडी भी हेल्दी रहेगा। और जब आप नहाओगे तब थोड़ा सा वार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी के साथ आप नहा सकते हो, इससे आपको अच्छा लगेगा, आपका बॉडी के लिए भी अच्छा है। आपको हमेशा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर या परफेक्ट बॉडी लोशन का यूज़ करना होगा, जिससे आपका बॉडी सॉफ्ट रहेगा, बॉडी में मॉइस्चराइजर रहेगा और आपका स्किन फटना या बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम वो नहीं होगा। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मुझे एक आर्टिकल नज़र आया और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि अगर आप नाइट में शावर लेते हो, मतलब नाइट में अगर आप नहाते हो तो आपके लिए और भी अच्छा होता है, बॉडी में मॉइस्चराइजर ज़्यादा बना रहता है, बॉडी सॉफ्ट रहता है। मैं तो नाइट में नहीं शावर लेता हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो नाइट में शावर, मुझे एक आर्टिकल पे मिला था वैसे मैं आपको बता दिया। और मैं बाकी सब वीडियो मैंने बताया था कि स्किन केयर के ऊपर, हेयर केयर के ऊपर, आप अलग अलग से वो वीडियो जरूर एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद ये वीडियो बस आपका कॉम्बिनेशन फुल्ली हो गया और आपको विंटर में किसी भी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी भी कोई तरह का कोई अगर आपका क्वेरीज रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैनल का सपोर्ट का ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया कीजिएगा यार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसे भी तो पता चले ना ऐसे इंटरेस्टिंग ऑथेंटिक वीडियो इसी चैनल पर ही मिलता है। तो आई होप मेरे छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अगली बार आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।